बांदा जनपद के बबौरी व अतर्रा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचकर जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं सपा व बसपा कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि मामला बांदा जनपद के बबौरी विधानसभा 233 क्षेत्र के बबौरी कस्बे के पशु बाजार का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अजय सिंह पटेल के समर्थन में बबेरू कस्बे पर जनसभा आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मौजूदा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की। वहीं अतर्रा के हिंदू इंटर कॉलेज मैदान पर पहुंचकर बांदा सदर से प्रकाश द्विवेदी व नरैनी से ओम मणि वर्मा, तिंदवारी से राम केश निषाद के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने सभी भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए लोगों से अपील की। बांदा से इमरान खान की रिपोर्ट। में फिर से कमल फिर रहा है, आ रही आईडी। यूपी की जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके गुंडागर्दी से, दंगागर्दी से, भूमाफियागर्दी से तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति चाहती है, और 2017 में कमल खिला करके वह रास्ता उन्होंने जनता जनार्दन ने बनाया है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का दिन रात का परिश्रम, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बुंदेलखंड की गई सेवा, प्रदेश की गई सेवा, इसके आधार पर हम 2022 का भी चुनाव इतिहास से जीते हैं। सपा बसपा का सूखा साग होगा, भाजपा का कमल खिला। जी जी।